मुफ्ती साहब किबला जेल जा रहे थे, जब पैगाम आया, जब नशर अशात होने लगी तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब किबला ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि सलमान अजहरी को जेल हो जाएगी, फला वजह से होगी। मुफ्ती साहब किबला ने कहा बाबू लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं। कफील अंबर साहब सलमान अजहरी को खुशी यह है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। और भाइयों जब मैं अपनी महफिल में इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं और इनकी जबान पर हुजूर का नाम देखता हूं तो कफील अंबर का दिल कहता है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। हमारी जिंदगी का मकसद भी हुजूर है, हमारी जिंदगी का मावा भी हुजूर है, हमारा गुरूर भी मुस्तफा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफा है, हमारा घमंड भी मुस्तफा है, हमारी आराइश भी मुस्तफा है, हमारी सेवाइश भी मुस्तफा है। हजरत सलमान फारसी ने कुफ्र और शिर्क के दैवलन मिलाद करके भी हजरत सलमान फारसी ने हुजूर का नाम लिया था, तपते हुई रेत पर हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर का नाम लिया था। कुफरान के मालदा वालों शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आज एक दफा कफील अंबर आपकी आवाज सुनना चाहता है। और जब से गए हैं मुफ्ती साहब, मेरी एक सोच है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, गर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उस वक्त तक इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा जब तक के दुनिया में सुन्नी मुसलमान कायम है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, जिसको हुजूर अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत है, दोनों हाथों को उठाए। जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर कहा जाए। हाँ, बिंदास मार दिया कीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा जो होगा। ईमानदारी के साथ सिर्फ वही लोग हाथ उठाएंगे कि जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सबके में दिया है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उमर की एक सांस अंदर जाती है तो उमर को दोबारा यकीन नहीं होता कि बाहर आ जाए सांस, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी ना हो। हाँ, तो मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हाथों को उठा करके लगाइएगा जिस अंदाज से कफील अंबर लगाता है, मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, बहुत सारे चैनल वाले, मगर एसडीआई चैनल जो सुन्नी दावत इस्लामी का स्पेशल चैनल है, पूरी दुनिया देखती है। आज आपके कॉन्फ्रेंस, आपके जलसे को पूरी दुनिया देख रही है। हमारे भाई आए हुए हैं, मैं सैयद साहब से कहूंगा, सैयद साहब लोगों को दिखाइए कि मालदा वाले, बंगाल वाले किस जिगर के साथ लब्बैक का नारा लगाते हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुरखुरू होने का, सुरखुरू होने का, जब ऐसा जज्बा कफील अंबर देखता है तो दिल कहता है कि सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा भी सदा, सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हजरत लोग कहते हैं अभी वक्त ऐसा नहीं है, अभी हालात ऐसे नहीं है, अभी जायजा ऐसा नहीं है, अभी सियासत ऐसी नहीं है, बोलना नहीं। मगर कफील अंबर कहता है सुनो, तुम सियासत कितने
जुतियां चाटो, तुम सवालत के जूते चाटो, मगर हम हुसैनी हैं, हम डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहते हैं कि इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकदीर को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले, ये कफील अंबर का जिगर है। लोग 13 साल से परेशान है, कितना पतला कलेजा और इतनी आवाज कहां से आती है। खुदा की कसम, दुश्मन इतने पीछे पड़े हैं हमारे, इतने कफील अंबर के सर पर बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे दुश्मन हैं, मगर उन्हें पता नहीं है हम ऐसा सुल्तान रखते हैं ना जिसे देख करके सारी बलाएं दूर से ही भाग जाती है। तलब से बढ़ के मिलता है, फरावानी से मिलती है। तलब से बढ़ के मिलता है, फरावानी से मिलती है। ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। मजारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। मजारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। तलब से बढ़ के मिलता है, फरावानी से मिलती है। ये वो तर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। मजारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। आइए और हजरत के साथ साथ सुन्नी दावत इस्लामी के एक और अजीम मुबल्लिग, जब उनको देखेंगे आप तो खुद ब खुद पहचान जाएंगे। मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना सादिक हुसैन रजवी साहब क़िबला, जिनका खिताब आप सुनेंगे। देखिए जलसे हर दिन होते हैं, मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक दिन नातिया मुशायरा और एक दिन तकरीर। अगर नात से इश्क मजबूत होता है तो तकरीर से अकीदा मजबूत होता है। जो हालात आप तो एक अपने गांव में हैं, साल में एक दो दिन सफर करते हैं, अल्लाह का करम है कि हर दिन सफर से गुजरना पड़ता है। किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी रेलवे स्टेशन के बाहर हर दिन दुनिया को हम देख रहे हैं। हालात बड़े गमनाक और सियाह मुस्तकबिल नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में अकीदे की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की फलाह बहबूती के लिए, नई नस्लों की तरक्की के लिए तकरीर की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैजान मखदूम अशरफ जुलूस कमेटी को कि आपने जिन खतीबों का इंतखाब किया है, नासे गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मुबल्लिगाना और वाइजाना हिकमत के हामिल हैं। खुसूसियत के साथ मेरे सैयद साहब क़िबला का तो जवाब ही नहीं है। यकीनन अमीनुल कादरी की आज दुनिया जो दीवानी है, अमीनुल कादरी ने अपने लफ्ज़ों के जरिए नहीं, अपनी मिठास के जरिए, अपने वाइजाना नसीहत के जरिए, अपने आलिमाना हिकमत के जरिए दुनिया को अपना गर्विदा बनाया है। सारी खानकाहों से मोहब्बत करने वाला अमीनुल कादरी, सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला अमीनुल कादरी, बड़ों पर दस्ते शफ, बड़ों की दुआएं लेने वाला अमीनुल कादरी, छोटों पर सब दस्ते शफकत फेरने वाले अमीनुल कादरी की इंशाअल्लाह आमद होगी। आइए मोहब्बतों के साथ जो ये अजीम महफिल हाजरीन, बस दो से तीन शेर सुनिए इंशाल्लाह, उसके बाद हजरत की आमद है, क्योंकि मिशन का मिशन भी लोगों तक जाना चाहिए।
इसलिए ख्याल और इस फिक्र के साथ शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में अपनी नहज को पाकीज़ा करते हैं, अपनी फिक्र को उरूज अता करते हैं, अपने जहन को बालीगी अता करते हैं, अपने रूह को महमेजियत की मंजिलों से उजागर करते हैं और फिक्र के दरीचों में इश्क़ो वफा का एक चिराग रोशन करते हैं, जिस चिराग की नुमाइंदगी हज़रत हसन इब्ने साबित ने की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ने की थी, हज़रत सलमान फ़ारसी ने की थी। उसी चिराग मोहब्बत की रोशनी में हम और आप बेवस्त होते जाते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मद्दाहे रसूल अनाम जनाब अजीज मसदुल किबरिया से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए, मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस फैजा। करबला शहादत पर लिखी हुई पहली तफसीर का नाम है, करबला इश्क़ो वफा की गमबाजी का नाम है, करबला नूरे मोहम्मदी के आगाज और इत्मीनान का नाम है। करबला में 72 नफूस कुदसिया ने इमाम हुसैन ने दुनिया चिराग जला करके रोशनी कायम करती है। हुसैन ने चिराग बुझा करके करबला में रोशनी कायम की है। 71 नफूस कुदसिया लेकर के जिंदगी का वही दस्तूर करबला शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आप बैठेंगे इंशाल्लाह। और फैजान मखदूम अशरफ जुलूस कमेटी, वो सुल्तान अशरफ, वो गौसुल आलम जो बयक्त वक्त गौसुल आलम भी है, महबूबे गस्तानी भी है, तारीख मीर वहदुद्दीन है, सुल्तान की हुकूमत है, समंदरों की मछलियों पर जिस सुल्तान की हुकूमत है, मूरत पर अगर सही से सूरत डाल दे तो उसे सूरत में ला दे, वो सुल्तान अशरफ की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। वो सुल्तान अशरफ जो मोहब्बत और अकीदत अगर कोई बुत कर ले तो सात हो जाए। वो सुल्तान अशरफ जिस पर निगाहे कीमिया डाल दे, अगर मुर्दा हो तो अपनी जिंदगी से 10 साल का सरमाया अता कर दे। वो सुल्तान अशरफ अगर किसी जिंदे की जनाजा पढ़ा दे तो वो मुर्दा बन जाए। वो सुल्तान अशरफ किसी पर निगाहे कीमिया डाल दे तो वक्त का आलिम और गौसर कुतुब अब्दाल बन जाए। वो सुल्तान अशरफ अगर बेपढ़ा लिखा आए बारगाहे सुल्तान अशरफ में तो वक्त का निजामे यमनी बन करके चमके। वो सुल्तान अशरफ एक निगाहे कीमिया डाल दे तो वक्त का गयासुद्दीन अल्तवानी बन करके चमते। वो सुल्तान अशरफ जो एक निगाहे कीमिया डालते तो उड़ता हुआ परिंदा तरे मखदूम अशरफ पर आकर के सलामी पेश कर दे। वो सुल्तान अशरफ अगर औरत मर्द के लिबास में तहलीज़े सुल्तान पर कदम रखने की जुर्रत करे तो जलाले अशरफ से खाकिस्तर हो जाए। वो सुल्तान अशरफ जिनके नीर का पानी बताता है कि आज भी दुनिया को कहीं से शफा नहीं मिलती, वो शफा दरबारे मखदूम के नीर में रखा हुआ है। उसी वहाँ नीर है और इस जमीन पर सुल्तान अशरफ का पीर बैठा हुआ है। ऐसी जमीन पर आप बैठे हैं, अगर केचौचा में नीर है तो मालदा में सुल्तान का पीर बैठा हुआ है और सुल्तान के पीर का पीर भी बैठा हुआ है। दिल लगाओ, दिमाग लगाओ, अकीदा लगाओ, अकीदत के साथ दोनों हाथों को उठाओ और पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, एक बार जो दाहिने बाएं लोग हैं सब मोहब्बत के साथ, अकीदत और उल्फत के इस ख्याल के साथ चार मिसरा पढ़ता हूं कि मुअर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। या रसूल अल्लाह, वाह, या अली, या अली, वाह वाह वाह। अगर तकलीफ ना हो तो दोनों हाथों को उठाओ, अगर जिसके घर पर, जिसकी नस्लों पर, जिसकी औलाद पर, जिसके बच्चों पर, जिसके माँ बाप पर अली के बेटों का एहसान है, जिसके घर के दस्तरखान पर अली के बेटों का नमक चमकता हो, वो दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस अंदाज से कहो कि अगल अगल बगल में यजीद की बची खुची औलादे हों तो आपकी आवाज सुन करके खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी या हुसैन के नाम का नारा लगाने लग जाए। मालदा वालों, यहाँ
سراج الحق بھی ہیں اور سراج الحق کی رمک للک شفق تپک علاء الحق بھی ہیں اور اسی رمک کی جھلک سلطان اشرف کا اشرفی لے کر کے آیا ہے. آج صرف یہ گاؤں، یہ خطہ، یہ زمین، یہ آبادی، یہ دریا، یہ شہر، یہ صوبہ نہیں بلکہ مالدہ کا ذرہ ذرہ کہے گا کہ آج ذکر حسین میں کوئی حسینی آیا تھا. آج اسی منبر نور پر انشاءاللہ سلطان اشرف کے بیٹے شہزادہ محبوب یزدانی، اولاد غوث جیلانی، امین امانت محبوب یزدانی، شیخ طریقت حضرت سید فیضان اشرف اشرفی الجیلانی کا بھی دیدار کریں گے. وہی عالمی شہرت یافتہ مبلغ جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ 3 سال 4 سال سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، مگر آج سراج الحق آئینہ ہند کا کرم ہوا، سلطان اشرف کے پیر و مرشد کا کرم ہوا کہ آج مالدہ کی زمین پر عالمی شہرت یافتہ مبلغ جماعت اہل سنت کی وہ انمول اور قادر الکلام آواز جسے دنیا خطیب عالم اسلام مفکر اسلام حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کے پاکیزہ بیانات سے آپ استفادہ کریں گے. مداح رسول انعام، ملک کی عظیم اور نادر و نایاب آواز جناب قاری محمد علی فیضی واحدی صاحب قبلہ، ممبر شریف پر بہت سارے علماء اساتذہ جن کے قدم کے لگے ہوئے ذرات کو کفیل عمبر اپنی نقابت کے سرمے کا غازہ بناتا ہے، اور آپ کی پشت پناہی مخدوم اشرف مشن سرکار حضور قادری میاں کے خواب کی تعبیر کا نام ہے. حضور سید مجتبی اشرف علیہ رحمت و رضوان نے جو خواب اور جو عظیم قلعہ دیا تھا اسی قلعے کی محبتوں کے فلسفہ ریش کا نام ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 4 مصرع بارگاہ حسین میں پڑھتا ہوں اور یہاں سے دیکھوں گا کہ آپ زندہ دل ہیں اور کس زندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا حسین، اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا حسین. صدام بھائی، کمیٹی والے لوگ اگر مائک والے بھائی آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیجئے گا. میں کبھی بھی ہماری ہزاروں ریکارڈنگ سن لیجئے گا، مائک والے کو میں کبھی پریشان نہیں کرتا ہوں. آواز بڑھ جائے آپ کی تو تھوڑا کرم ہو جائے گا. دو شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ. پہلے اس شعر سے پہلے ایک بات سنیے گا. جب کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، دیکھیے کربلا کا دو کردار ہے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے لے کر کے کربلا تک کردار حضرت امام حسین ہے، اور شہادت کے بعد شام غریبہ سے لے کر کے دمشق، دمشق سے کوفہ، کوفہ سے شام دربار یزید تک، اور دربار یزید سے پھر مدینہ تک کردار حضرت سیدہ سیدتنا زینب کبریٰ ہے. کربلا کا دو کردار ہے. جب یزید کے دربار میں حضرت زینب پہنچی، بات سنیے گا، اور علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی نے، علامہ ابن کثیر نے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان نے، جو حضرت سیدہ حضرت زینب کبریٰ کا خطاب لکھا ہے، اس خطاب میں ایک حضرت زینب نے ایک بات کہی تھی. جب یزید نے کہا کہ زینب یہ دیکھ تیرے بھائی حسین کا سر ہے، کربلا میں تیرے پاس نہ تیرا بھائی حسین بچا، نہ تیرا بھائی عباس بچا، نہ تیرا بیٹا انو محمد بچا، نہ علی اصغر بچا، نہ قاسم بچا، کوئی نہیں بچا، تیرے پاس بچا کیا ہے؟ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں ایک بات کہا تھا، یزید تو کہہ رہا ہے کہ حسین نہیں بچا، تو کہہ رہا ہے کہ علی اکبر نہیں بچا، تو کہہ رہا ہے کہ علی اصغر نہیں بچا، مگر زینب سے سن کے زینب کے پاس کیا بچا ہے؟ مالدہ والوں، کفیل عمبر کا کام پڑھنا ہے، آپ کا کام سننا ہے. اگر حسینی ہوں گے تو انشاءاللہ مجمع سے کوئی کھڑا ہو کر کے حسینی نعرہ لگائے گا. حضرت زینب نے کہا یزید بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. بولے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ. بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا، اللہ رسول کا پیغام بچ گیا. دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا، گھر لٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. تر
दरबार में यजीद के। একটু ইকো দেন, একটু সাউন্ডটা দেন, ব্যাস কমিয়ে দেন, ব্যাস সম্পূর্ণ কমিয়ে দেন, একটু ইকো দেন আর একটু বলে দেন, ব্যাস সম্পূর্ণ কমিয়ে দেন। হ্যাঁ, যেমন শায়েরদের করছেন এমন করে দেন, একটা ঠিক হয়ে যাবে। দোনো হাতো কো উঠা কর কে দে ইয়া আলী, আর মহব্বত সে ইয়া আলী, ইয়া আলী অন্ধেরে সবসে উজালা নিকাল দেতা হে, অন্ধেরে সবসে উজালা নিকাল দেতা হে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আযান নাইসি তোমারা বিলাল দেতা হে, অন্ধেরে সবসে উজালা নিকাল দেতা হে, আযান নাইসি তোমারা বিলাল দেতা হে, নবী কে জিকির সে মিলতি হে রূহ কো ঠান্ডক, আলী কা ইশক লহু কো উবাল দেতা হে, আলী কা ইশক লহু কো উবাল দেতা হে, মেরা খোদা জিসে উজে কমাল দেতা হে, উসে ফুতুল কি চৌখট পে ডাল দেতা হে, পরখনা হো জো কিসি কো তো ইয়া আলী বোলো, ইয়ে নাম ও হে জো সজরা খরাল দেতা হে, ইয়ে নাম ও হে জো সজরা খরাল দেতা হে, আর ইয়ে শের সুনে কে ফনা কো দস্তে বকা মে উতার দেতা হে, ফনা কো দস্তে বকা মে উতার দেতা হে, ও বেকসো কা মুকদ্দর সবার দেতা হে, তলাশে প্যাস মে তলাশে পানি মে প্যাসে তো মরতে দেখে হ্যায়, হুসাইন প্যাস সে পানি কো মার দেতা হে, তলাশে প্যাস মে পানি তো মরতে দেখে হ্যায়, হুসাইন প্যাস সে পানি কো মার দেতা হে, বদলা নে এক হরফ আলিফ লাম বজ গয়া, আল্লাহ আর রাসূল কা পয়গাম বজ গয়া। দরবার মে ইয়াজিদ কে যাইনব নে ইয়ে কাহা, ইকো নেই দিজিয়ে, আইয়ে মহব্বতোঁ কে সাথ দোনো হাতোঁ কো উঠা কর আল্লাহ কি কিবরিয়াই আর হাজিরিন শুহাদায়ে কারবালা কনফারেন্স কি ইস আজিম আর বাকমাল শব মে হামারা বৈঠে হ্যায়, ন কোই তসল্লি না দিলাসা হি করেগা, না কোই তসল্লি না দিলাসা হি করেগা, সৈরাব মেরে দীন কো প্যাসা হি করেগা, সরকার বোলে গোদ মে লেকর হুসাইন কো নানা কা কাম পুরা নবাসা হি করেগা, সরকার বোলে গোদ মে লেকর হুসাইন কো নানা কা কাম পুরা নবাসা হি করেগা, একবার হাতো কো উঠা করকে পুরা মজমা কহ দে ইয়া রাসূলুল্লাহ, চাই ইয়া রাসূলুল্লাহ কহনে পর কভি টেনশন মত লিয়া কিজিয়ে, জিল ডরা মত, ডর তো নহীং রহনা আপ, দিদি কে মুলক ওয়ালে কহাঁ ডরনে ওয়ালে হ্যায়, হ্যাঁ জব সারা হিন্দুস্তান ডর রহা থা তব বঙ্গাল ডরা রহা থা লোগো কো, আপ উস শহর মে বৈঠে হুয়ে হ্যায়, মেরা চার মিশরা বহুত মশহুর হ্যায় কি সুনা থা কে ও ভারত কে মুকদ্দর কো সবারেগা, সুনা থা কে ও ভারত কে মুকদ্দর কো সবারেগা, হমে জালিম বতা কর ও হামারা সর উতারেগা, হামারে সামনে তো হ্যায় কারবালা কি দাস্তা রাখি, ইয়ে চায়ে বেচনে ওয়ালা হমে ক্যা খাক মারেগা, হমারে সামনে তো হ্যায় কারবালা কি দাস্তা রাখি, ইয়ে চায়ে বেচনে ওয়ালা উনসে কহ দিয়া কিজিয়ে জো ডরায়া করে কি হমনে বচপন মে এসে ভাইসো কি কাহানি নহীং সুনি হ্যায়, জব হম আপনি মা কি গোদ মে থে তো হমনে হুসাইন কি কাহানি সুনি হ্যায়, হমারি মা নে বচপন মে হি দুধ কে জরিয়ে ইশকে হুসাইন হমারে দিলো মে পেবস্ত কিয়া হ্যায়, হুসাইন এক মকসদ কা নাম থা, কুল্লা সলকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদাতা ফিল কুরবা কি আমালি তাফসীর কা নাম হুসাইন হ্যায়, মম্মা তাহুব্বি আলে মুহাম্মদ মা তা শহীদা, ইসকা পস মনজর আর পেশ মনজর হুসাইন পাক হ্যায়, কুরআনে করিম মে আয়া এ করিমা হ্যায়, ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়্যিন মিনাল খাউফ ওয়াল জুউই ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারা وبشر الصابرین, اس آیہ مقدسہ کی پوری عملی تفسیر کا نام حسین پاک ہے, قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ہے, اللہ رب العزت نے جو شہادت کا فلسفہ بیان کیا ہے, شہادت کی زندگی اور دستور بتانے والے کا نام حسین ہے, آئیے محبتوں کے ساتھ آخری مات کے ساتھ انشاءاللہ پوری رات باقی ہے, پوری باغ باقی ہے, صحیح وقت پر انشاءاللہ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا اور آپ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حضرت کی گفتگو سنیں گے, ایک بار پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ
एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए कफील अंबर देखे ना देखे, अल्लाह और उसका रसूल जरूर हमें देख रहा है कि नहीं। जिस जिसको मदीना जाना है और कफील अंबर का ईमान कहता है कि जो हुसैन पाक के सदके में मांगता है अल्लाह उसको जरूर मदीना दिखा देता है, जरूर मदीना दिखाता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम लेता है तो बच्चा कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूं। मुफ्ती साहब कबला